हम तो अंदर जा नहीं सकते, लेकिन आप भी जुबानी जाना चाहेंगे, आज क्या सॉन्ग पिक्चराइज करा जा रहा है? मेरी जुबानी तो ये है कि मैं हमेशा उस इंसान के साथ रहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ मेरे वक्त बुरे वक्त साथ दिया, और मेरा बुरा वक्त तो बहुत पहले से था। अच्छा वक्त आया, एक फिल्म थी अग्निसाक्षी, इसका गाना था इकरार करना मुश्किल है, फिल्म फेयर अवार्ड मिला, पार्टनर का डायरेक्टर थे उसके, और बहुत मेहनत की उधर से। एक वो मेरे लाइफ का पहला हिट गाना था जहाँ से मेरा प्लेन टेक ऑफ किया, आज तक टिक ऊपर ही चल रहे तो मैं जब भी मुझे वो लोग बुलाते हैं तब मैं बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे वहाँ पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जो अपनापन है प्यार है वो बस है। और ये गाना है, इसमें बेसिकली मैं परफॉर्म कर रहा हूँ दादा के लिए, और दादा ने अभी देखा है देहाती डिस्को, तो मैंने दादा को बोला, दादा बोला करना है आना है, मैंने आता हूँ, पहुँच गया बस अभी यहीं पे। और गाना बहुत धमाल है, आइटम सॉन्ग है, और बाकी बताएंगे दादा। तो सर, दादा आपसे पूछना चाहूँगा, मैं वी हैव बीन इंटरेक्टिंग गणेश सर सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, और जैसे उन्होंने कहा, और वैसे इंडस्ट्री में अमूमन होता नहीं है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दादा गणेश सर की इस दरिया दिली, इस मोहब्बत, इस साफ गोई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि गणेश जी जैसे लोग हैं जो अभी भी जिन्होंने जिंदा रखा है इंसानियत को, कि किसी को याद रखते हैं, किसी का किया हुआ याद रखते हैं? मैं ये बारे में जरूर बोलना चाहता हूँ गणेश के बारे में। मैंने जिंदगी में बहुत मास्टर के साथ काम किए, बड़े बड़े, सरोज जी वन ऑफ देम डेफिनेटली, उसके बाद चीनी प्रकाश, वो भी काफ़ी नाम किए हुए थे, और बहुत सारे। पर जिंदगी में अगर आज गणेश जिस जगह पे है या ऑलरेडी पहुंच चुके थे और आज भी उसको मेंटेन किए जा रहे हैं, उस समय पे मैं जाके जब एक OTT के लिए एक रिक्वेस्ट किया, जे गणेश तू करेगा, एक सेकेंड उसने नहीं लिया और कहा, दादा आपने आया बोलने के लिए, ओके आई एम डूइंग इट। ये बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, क्योंकि देखिए इंसान सब एक दूसरे को मदद करता है कोई ना कोई पीरियड में, बुरे वक्त हो, अच्छे वक्त हो, या जो भी सिचुएशन, पर वो दिन को याद रख रहा है, वो दिन आज का दिन नहीं है, ये करीब करीब 25 साल पहले का बात कर रहे हैं, 25 साल पहले का या 30 साल पहले का बात को याद रख के, और आज वो यहाँ पर बैठा हुआ है। ये मेरे लिए, मैं रियली, मैं बोलने के लिए मेरे शब्द नहीं है। इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोरियोग्राफर इन द करंट सिनेरियो, अभी अभी करंट टाइम भी नहीं, पिछले टाइम बहुत समय से, और अभी तो मतलब इसका तो धमाल चल रहा है, मतलब गाड़ी भी उड़ रहा है, एक्शन भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है आज तो बने गणेश जी, मतलब बड़ा गाना, छोटे मोटे, और हमारा एक छोटा सा गाना, जो छोटा इन द सेंस कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, एक आइटम सॉन्ग है, इसने आके खड़ा हुआ, आज एक रैप भी परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए जो मैं 25-30 साल पहले कोई गाना दिया था, और उसके लिए ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि दुनिया में मेरे लिए इतने लोग मेरे से बेनिफिटेड हुआ, पर आज मुड़ के भी नहीं देखते मुझे। पार्थो जी, कितना ग्राफ बढ़ जाता है जब गणेश जी किसी अरे बहुत बड़ा, क्या बात कर रहे हैं, गणेश के नाम पे हमारे चैनल की चेयरमैन है, ये हमारे चैनल की CEO है, इनको मालूम है जे ये गणेश मास्टर इसमें आने से इनको कितना अपलिफ्ट मिलेगा। निशांत जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? गणेश जी जब परफॉर्म कर रहे हैं तो गाना तो ऑटोमेटिकली हिट है, उसमें नो डाउट, किसी भी एंगल से सोचने के लिए, तो ये आइटम सॉन्ग ऐसा होगा कि बहुत अच्छा धमाल मचाएगा, वो यही मेरा इसमें कहना। सर, ये भी जानना चाहूँगा, लास्ट ये जानना चाहूँगा कि जो एक्टर साथ में बनने में, एक्ट्रेस बनने या एक्टिंग फील्ड में, कोरियोग्राफी या डांसिंग जो स्किल्स है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत ये सवाल बहुत सब कॉमन है, और इसका मैं बहुत बार एक बड़ा जवाब दे चुका हूँ। मेरे लिए गोविंदा से बड़ा कोई डांसर और एक्टर नहीं है, ना रहा ना होगा, दैट्स फर्स्ट फैक्ट। और दूसरी बात, जो आज के लोग आ रहे हैं और जो आज लोग इस इंडस्ट्री में बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, उनको सीख के आना चाहिए, संपूर्ण तरह से एकदम जो कला में माहिर होना चाहिए तो ही आना चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हाई। आप अगर अपने आप को
कुछ एक सक्सेस पर्सन एकदम दिखाना चाहता है सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको वो टैलेंट, वो डांस, वो एक्टिंग, वो एक्शन, वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। पहले ऐसे था कि आप एक नहीं, दो नहीं, दस फिल्म के बाद भी आप कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी इंडस्ट्री में फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। थैंक यू।